लास्ट सेक्शन आ गया, सेक्शन 64 सब सेक्शन 2। ये एचयूएफ से रिलेट करता है, हेडिंग अभी नहीं लिखेंगे। इस सेक्शन में दो केसेस कवर होते हैं, कितने केसेस कवर होते हैं? दो केसेस कवर होते हैं, केस वन, केस वन। केस वन है जिसमें जो इंडिविजुअल है ना, वो अपनी, उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, वो उसने कन्वर्ट कर दी। किसमें? बोल दिया भाई ये मैं फैमिली की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो केस वन हो गया इंडिविजुअल बीइंग मेंबर ऑफ एचयूएफ कन्वर्ट्स आफ्टर 31 दिसंबर 1969 हिज सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फैमिली किसी ने पूछा कि भाई ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया? उसने क्या किया, ये जो जो प्रॉपर्टी है ना, ये फैमिली के कॉमन स्टॉक में डाल दी। तो इंडिविजुअल ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, इसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, वो उसने उसका क्या किया, उसने उसको फैमिली की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। केस टू, केस टू, इंडिविजुअल ने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी फैमिली को। तो इंडिविजुअल ट्रांसफर्स सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द फैमिली अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन जो है ना, वो तो दोनों केसेस के साथ ही है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। देखो समस्या कब होती है, क्लबिंग होता कब है, जब आप एडिक्वेट कंसिडरेशन पे, एक्सेप्ट फॉर वो माइनर चाइल्ड वाला सेक्शन, जब आप एडिक्वेट कंसिडरेशन पे ट्रांसफर नहीं करते तभी क्लबिंग होती है ना। तो अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। तो अब सुनिए, केस वन है कि भी आप एचयूएफ के मेंबर हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी फैमिली की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दी, या आपने अपनी प्रॉपर्टी फैमिली को बेच दी, एडिक्वेट कंसिडरेशन पे नहीं बेची, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे बेची। अब समस्या हो गई ना, अब अगर उस प्रॉपर्टी से फैमिली इनकम कमा रही है तो टैक्स कौन देगा? अब इतना इजी नहीं है डिसाइड करना, और डेप्थ में जाएंगे। फैमिली का पार्टीशन नहीं हुआ, फैमिली है, फैमिली का तो पार्टीशन भी हो सकता है, अभी लिखेंगे कुछ नहीं, अभी बस आप कहानी सुनते जाओ। फैमिली का पार्टीशन नहीं हुआ, अभी हम बात कर रहे हैं दरार से पहले की, अभी कोई दरार नहीं पड़ी फैमिली में। बिफोर पार्टीशन तो बड़ा इजी है, बड़ा इजी है कि भाई आपने अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया या ट्रांसफर कर दिया फैमिली की प्रॉपर्टी में, या फैमिली को बेच दिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन थी, तो उस प्रॉपर्टी से फैमिली जो इनकम अर्न करेगी उस पर टैक्स आप ही दोगे,
पार्टीशन नहीं हुआ, दरार नहीं पड़ी, तो इनकम इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। ये सेल्फ अक्वायर्ड का मतलब क्या है भाई, उसने खरीदी थी अपने नाम से, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। किसको ट्रांसफर कर दी, एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी, अपनी एचयूएफ को, एक्स एचयूएफ को, उसने एक्स एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी। अब ये प्रॉपर्टी जो है, इसकी एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम है कितने की, 60,000 की। तो अब ये इनकम पे टैक्स कौन देगा, एचयूएफ टैक्स देगी या एक्स टैक्स देगी? तो देखो, ये जो सेल्फ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, इसकी कंसिडरेशन क्या थी? तो हमने देखा कि इट वॉज ट्रांसफर्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ठीक नहीं ली थी, बस हो गया फैसला, पार्टीशन नहीं हुआ, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट थी, तो टैक्स कौन देगा, एक्स, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। आई रिपीट, अभी कोई दरार नहीं पड़ी फैमिली में, अभी फैमिली में कोई पार्टीशन नहीं हुआ, अब पार्टीशन हो गया, दरार पड़ गई, भाई साहब अलग हो गए सब, अब क्या किया जाए, झगड़ा हो रहा है, टैक्स में तू देगा, टैक्स तू देगा, आप डिसाइड नहीं करोगे टैक्स कौन देगा, डिसाइड कौन करेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आफ्टर पार्टीशन, अभी पार्टीशन के पहले तक लिख लो आप, फिर हम अब आफ्टर पार्टीशन की बात करते हैं, लिख लो यहां तक, हेडिंग के लिए ना जगह छोड़ो, पहले मैं आपको पूरा करा दूंगी, फिर आपको हेडिंग लिखवाऊंगी। पार्टीशन दरार पड़ गई फैमिली में, सब अलग हो गए, सब अलग हो गए, सब अलग हो गए, तो अब क्या किया जाए, अब कैसे डिसाइड किया जाए कि इनकम कहां जाएगी? अब ये फैमिली है, फैमिली में कौन कौन रहता है, फैमिली में कौन कौन रहता है, एक्स का एचयूएफ, ठीक है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी एक्स ने। अब इस फैमिली में कौन कौन है, एक्स है, एक्स की स्पाउस है मिसेज एक्स, फिर एक्स की माइनर चाइल्ड है, वाई है ब्रदर, ठीक है, ठीक है, तो चार फैमिली मेंबर हो गए, है ना, कितने फैमिली मेंबर हो गए, चार फैमिली मेंबर हो गए। अब देखो, भाई की इनकम जो है उस पे टैक्स वो देगा, मतलब अब जब चार फैमिली मेंबर हो गए, तो ये जो इनकम अर्न हो रही थी ना, एनुअल इनकम 60,000 की अर्न हो रही थी, अब ये जो 60,000 है, इसको आप अपॉन फोर कर दोगे, कितनी हो गई, 15,000। भाई इस केस में तो ये 60,000 किसको टैक्सेबल थी, पूरी की पूरी एक्स को टैक्सेबल थी। अब दरार पड़ गई फैमिली में, एक्स और वाई अलग अलग हो गए। अब देखो, अब एक्स सबका शेयर हो गया 15-15,000, ये समझ आई बात आपको? देखो, जो ये वाई का शेयर 15,000 है, इस पर तो वाई अलग से टैक्स देगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्स क्यों टैक्स देगा भाई वाई के शेयर पे? अच्छा, ये जो 15,000 है, इस पे तो एक्स टैक्स देगा ही, एक्स की जो स्पाउस की इनकम है ना, वो भी एक्स में ऐड हो जाएगी। अब बच्चे ने पूछा, मैम माइनर चाइल्ड का तो बताया ही नहीं, माइनर पे तो 64(1) एप्लीकेबल हो जाता है ना, माइनर की तो इनकम ही पेरेंट की इनकम में ऐड होती है, उसको अलग से बताने की क्या जरूरत है?
तो एक्स की इनकम में क्या क्या जाएगा? अपना 15,000 जाएगा, स्पाउस का 15,000 जाएगा और माइनर चाइल्ड का 15,000 जाएगा। एक चीज नहीं भूलेंगे कि इसका अपना 15,000 तो गया ही, प्लस 15,000 गया स्पाउस का। अब जब प्लस जाएगा ना, किसका 15,000? माइनर चाइल्ड का 15,000। तो इसमें एक चीज को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि 15,000 में से 1,500 की एग्जेम्पशन मिलती है आपको, वो मत भूल जाना। तो एक्स को कितना टैक्सेबल हुआ अल्टीमेटली? 43,500। मिसिज एक्स को कितना टैक्सेबल हुआ? कुछ भी नहीं। माइनर चाइल्ड को कितना टैक्सेबल हुआ? कुछ भी नहीं। वाई को कितना टैक्सेबल हुआ? 15,000। अच्छा, वाई भाई नहीं है, सपोज करो भाई नहीं है, मेजर सन है, मेजर सन है, तो अब कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। बोलने की बात ये है कि फैमिली में से किसका शेयर क्लब होगा? स्पाउस का शेयर क्लब होगा। और माइनर चाइल्ड के बारे में तो हम पहले से बात कर चुके हैं 64 वाने में, वो तो अलग से बात करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब जरा गौर फरमाइए फिर से कि अगर इंडिविजुअल ने अपनी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी फैमिली की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दी या फैमिली को ट्रांसफर कर दिया, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन थी, तो अगर पार्टीशन नहीं हुआ तो उस प्रॉपर्टी से सारी इनकम पे टैक्स कौन देगा? एक्स देगा। अभी पार्टीशन नहीं हुआ, दरार नहीं पड़ी, सब साथ साथ है। अब पार्टीशन हो गया, दरार पड़ गई फैमिली में, सब अलग हो गए। अब एक्स किस पे टैक्स देगा? जो उसका स्पाउस का शेयर है उस तो टैक्स देगा ही, वो तो यहीं पे बता रही हूं मैं आपको। अच्छा, माइनर चाइल्ड का तो हमेशा ही पेरेंट टैक्स देते हैं ना, ये तो एक्सेप्शन में भी नहीं आता। तो माइनर चाइल्ड की इनकम पे तो टैक्स वैसे ही एक्स देगा। ध्यान क्या रखेंगे कि 1,500 की एग्जेम्पशन आपको मिलती है, ये मत भूलना बस। अच्छा, वाई कौन था? मेजर सन था। तो अब बेटा है, आप बोलो भाई बेटा है, बेटे के ऊपर क्यों नहीं देगा? मेजर है ना, मेजर इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो खुद टैक्स दे, एक्स क्यों देगा? अपने आप टैक्स दे वो। समझ आया? कैसा लगा? लिख लो, चलो ये लिख लो। अच्छा, आप हेडिंग लिखवा दूं? टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इंटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सबसीक्वेंट पार्टीशन। अच्छा लग रहा है? इजी चैप्टर था ना, इंटरेस्टिंग भी था। चलो अब आप देख लो, जो आपने नहीं लिखा वो लिख लो, जो नहीं समझ आया वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, यू आर वेलकम। वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आपको लगे कि मैंने पलट दिया, फिर से लगा देते हो। चलो अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं, हेडिंग देंगे अदर पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट इनकम फ्रॉम अक्रीशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और अक्यूमुलेटेड इनकम
ऑफ सच प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करी थी उसमें एडिशन हो गया. अब जब एडिशन हो गया तो अब उस एडिशन पे टैक्स आ इनकम आ रही है, उस पे टैक्स कौन देगा? एग्जाम्पल से बताती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए. एक्स ने अपनी धर्म पत्नी को, मिसेज एक्स को 10 लाख ट्रांसफर कर दिए, बदले में कुछ नहीं लिया. ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं लिया. हो क्यों नहीं लिया बदले में? अच्छा अब आगे चलते हैं. चलो मिसेज एक्स ने ये 10 लाख रुपए बैंक में डाल दिए. किस में डाल दिए? डिपॉजिटेड इन अ बैंक. बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक में डिपॉजिट किए तो उससे इंटरेस्ट मिला. उससे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला. अब ये इंटरेस्ट पे टैक्स कौन देगा? एक्स देगा. ये तो आपको समझ आ गया. अभी तो इसमें कुछ चेंज नहीं है, कुछ नया नहीं है ना. अब ये जो इंटरेस्ट मिला, मिसेज एक्स ने एक घर परचेज कर लिया. भाई साहब, परचेज इज अ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम accumulated interest income. अब फिर से कहानी सुनो. एक्स ने 10 लाख रुपए दिए, मिसेज एक्स ने बैंक में डिपॉजिट कराए, इंटरेस्ट मिला. इंटरेस्ट पे टैक्स कौन देगा? एक्स देगा. यहां तक तो समझ आ गया. अब ये जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, तो मिसेज एक्स ने धीरे धीरे इकट्ठा कर करके इतना इकट्ठा कर लिया कि उन्होंने घर खरीद लिया. घर खरीद लिया, घर को रेंट पे चढ़ा दिया. तो रेंटल इनकम जो इस हाउस प्रॉपर्टी की है, इस पे टैक्स कौन देगा? एक्स देगा. मिसेज एक्स देगी इस टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेज एक्स. समझ आया? तो अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे अक्रीशन कर रहे हैं या अक्यूमुलेटेड इनकम पे अक्रीशन कर रहे हैं, उस अक्रीशन से इनकम कमा रहे हैं, तो उस इनकम पे टैक्स ट्रांसफरर नहीं देता. कौन देता है? ट्रांसफर ही देता है, या जो भी कमा रहा है वो देता है. तो विल नॉट बी क्लब्ड, ऐसे लिख लो, रेंटल इनकम विल नॉट बी क्लब्ड. समझ आया? एक पॉइंट बच्चे ने पूछा कि मैम इनकम पे तो आपने बता दिया क्लेमिंग होती है, लॉस के केस में क्या होता है? लॉस के केस में क्या होता है? नेगेटिव इनकम लॉस क्या होता है? लॉस होता क्या है? एक तरीके से नेगेटिव इनकम होती है. तो इफ इनकम इज नेगेटिव एंड क्लबिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, देन नेगेटिव इनकम वुड बी क्लब्ड. समझ आया? समझ आया? ठीक है. आपने तो टैक्स नहीं दिया तो आपको लगता है बच जाओगे. असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है 65 सेक्शन के अंदर, वो रिकवर कर सकता है टैक्स आपसे. तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो ऐसे असेसी से
टैक्स रिकवर कर सके जिसका टैक्स देना बनता था एक्चुअली। चलिए अब ये चैप्टर ओवर हो गया, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता। बहुत अच्छा चैप्टर है, फ्री के नंबर आपको इस चैप्टर में मिलते हैं, प्लीज आप इस चैप्टर में मार्क्स को मत गवाइएगा। थैंक यू।